अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हे माता रानी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरा इंसाफ दिलवा दीजिए। मुझे हिम्मत दीजिए कि मैं अग्नि का पर्दा फाश कर सकूं और उसकी सच्चाई सबके सामने ला सकूं, ताकि मैं और नाहर जी हमेशा के लिए एक हो जाएं। देखा, तुम्हारे और नाहर के रिश्ते को माता रानी का आशीर्वाद मिल गया। पता नहीं प्रसाद किसने बनाया, मैं तो बेहोश थी। कहीं सच में रोहित की आत्मा की इच्छा तो नहीं पूरी हो जाएगी? कहीं वो मर के जिंदा तो नहीं हो जाएगी? ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सुधा नमोस्ते स्वाहा। हवन का कार्यक्रम संपन्न हुआ, अब हम लोग आरती करेंगे। आप सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाइए। सच्चे दरबार की जय। मलेश का बेटा, आरती लो। ये लो प्रसाद। जी आंटी, मेरे लिए आप ही देवी माँ है। आप मुझे अपने घर में लेकर आई, बिल्कुल माँ जैसा प्यार दिया। मैं तो इंडिया लड़का ढूंढने आई थी, लेकिन आपने तो मुझे साक्षात देवी माँ से ही मिला दिया। आप मेरे लिए महान है, देवी समान है आप मेरे लिए। आपने मुझे माँ का प्यार दिया, पूरा परिवार ही दे दिया आपने मुझे। नहीं, नहीं। पूनम जी, आज हमारे कुछ दोस्तों की मंडली मंदिर में मिलने वाली है, तो मैं वहां जा रहा हूँ। जी, काश देवी माँ को ये सच चमत्कार कर दे, जिससे मेरी बहन वापस आ जाए। नाहर बेटा, आरती की शुरुआत तुम करो, तुम्हें अच्छा लगेगा। सॉरी दादी। बेटा, जब पूजा में शामिल हो गए हो तो आरती करने में हर चीज क्या है? अब अग्नि, बेटा तुम भी जाओ। जी दादी। सॉरी दादी, मैं अग्नि के साथ आरती नहीं कर सकता। नहीं नाहर बेटा, आरती की थाल ऐसे नीचे नहीं रखते, और अग्नि तुम्हारी दोस्त है, अगर साथ में आरती कर लोगे तो इसमें क्या बुराई है? I'm sorry छोटी माँ, लेकिन ये मुझसे नहीं होगा। अग्नि एक काम करो, तुम आरती कर लो। अच्छा नाहर, क्यों ना हम रूही के नाम पे दो पल के लिए साथ में आरती कर ले। ये अग्नि मेरा नाम लेकर नाहर जी को ब्लैकमेल कर रही है, पर मैं जाकर भी इसे रोक नहीं पा रही। ठीक है, जो करना है जल्दी करो। आंटी जी, आंटी जी, मैं सोच रही
रही हूँ कि शादी करके यहीं पे रह जाऊँ। अब लड़की से ज्यादा तो मुझे लड़के की दादी पसंद आ गई है। अच्छी मुच्छी। लगता है आपसे कोई पुराना नाता है, कोई अपनापन सा है हमारे बीच में। अपनापन तो लगेगा ही। तुम मेरी बेटी जैसी हो। तुमने मेरे दिल की इच्छा खुद ही बोल दी। अब तुम्हें मेरी बहू बनने से कोई नहीं रोक सकता। माता रानी ने अपना चमत्कार दिखाई दिया। जय माता दी। बेटा एक काम करो, ये ना सिंदूर है, माता रानी को चढ़ा दो, इससे तुम्हारी हर मनोकामना पूरी हो जाएगी। जरूर आंटी। चलो। मेरी इच्छा तो यही है दादी जी, कि मैं इस घर में वापस आपकी बहू बनकर आऊं और आपके ही सर पर नाचूं। एक मिनट, सिंपी जाते हे सर ढक कर जाते माता रानी के दरबार। हे देवी माँ, अब मैं सब आप पर छोड़ती हूँ, आपको जो मंजूर होगा वही होगा। की लकड़ियां मंगवा ली थी, हम ले आते हैं ना। नहीं खू, तुम बैठो, मैं लेके आती। मालूम होता है अग्निदेव अप्रसन्न है इस दंपत्ति से। श्री सत्यनारायण भगवान सब कुछ जानते हैं। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 10 बजे। पूजा का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा, पर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मेरी आंखें बहुत जल रही हैं, इतना धुआं है। शायद ये माता रानी का इशारा है कि मैं नाहर जी के साथ आरती करूं। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। जय माता दी। जीजू आओ खिड़की खोलते हैं। तुम लोग आरती कर लो, मैं थोड़ा पीछे जाके खड़ी होती हूँ। धुएं से मुझे बहुत ज्यादा खांसी आ रही है। ध्यान से माँ जी। चलो नाहर, साथ में आरती करते हैं। Thank you.
हे माता रानी, इन दोनों की जोड़ी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। कहीं सब मुझे देख ना ले। प्रेम दुबले अंबे मात की जय। सॉरी सॉरी नाहर, मैं बहुत धुआं आ रहा था, मुझे बहुत खांसी आ रही थी। अग्नि तुम अभी आई हो? अभी तो बेटा तुम आरती कर रही थी ना। रूही के भूत ने आरती की? वो क्या सच में रूही थी या मेरा वहम? नहीं आंटी, मैं बीच में आई थी लेकिन फिर वो बहुत धुआं होने लगा ना, तो मैं चली गई थी। अग्नि, तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता ना। अब दादी। अच्छा ठीक है, प्रसाद बांटो सबको। जी। अब पंडित जी, मुझे आपसे जरा बात करनी है। जी। आओ आंटी, ये क्या है? ये कोयल खानदान की चढ़ाऊ कंगन है। ये लाइए अपना हाथ दिखाइए तो। ये आप मुझे क्यों पहना रही है लेकिन आंटी? ये मैं अपने पिंकू की होने वाली बहू को पहना रही हूँ। कोयल खानदान की चढ़ाऊ खानदानी कंगन, उसके लिए है ये। ओ, ये तो बहुत प्रिटी है। वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन ये तो आपकी पुरानी बहू के पास होने चाहिए थे ना। मेरा मतलब है खानदानी कंगन तो बहू के पास ही होते। आपने इसको खानदानी कंगन नहीं दिए थे क्या? मलिष्का जी छोड़िए ना उसकी बात, क्या कर रही। आप पर कितना सुंदर लग रहा है ये जड़ाऊ कंगन। हाँ, बिल्कुल आपकी माप का। ऐसा लग रहा है जैसे आप इकले बनो, एकदम परफेक्ट साइज। मसा तो तब आएगा दादी जी, जब आपको पता चलेगा कि मैं ही पलक हूँ। अगले हफ्ते एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर आपके और पिंकू की शादी करवा दूंगी। बस थोड़ा सा वक्त दीजिए मुझे मलिष्का जी, मुझे पिंकू से और पिंकू के दादू से थोड़ी बात कर लेने दीजिए। बस नजर ना लगे, बहुत महंगे हैं ये, संभाल के रखिए। दादी जी, जितनी जल्दी आपको मुझे अपनी बहू बनाने की है ना, उतनी ही जल्दी मुझे आपसे हर धोखे का बदला लेने की भी। पंडित जी, सबसे पहला जो शुभ मुहूर्त हो ना वो बताइए। मैं चाहती हूँ मेरे पोते नहार की शादी जल्द से जल्द अग्नि से हो जाए। अभी देख लेते हैं। दादी, कल कहा था ना मैंने? बेटा, पंडित जी बैठे हैं, हम बाद में बात करते हैं। हाँ दादी, शादी का मुहूर्त भी निकलवा रही है। इन दोनों की जन्म कुंडली के अनुसार नवरात्रि संपन्न होने से पूर्व इन दोनों का विवाह हो जाए तो अति उत्तम होगा। नवरात्रि खत्म होने से पहले, यानी कि सिर्फ 9 दिन, और 9 दिनों में मैं अग्नि का सच कैसे सबके सामने लाऊंगी? मुझे कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे अग्नि अपना सच खुद अपने मुंह से कबूल कर ले। हे देवी माँ, प्लीज मेरी मदद कीजिए। अब आप ही मेरी मदद कर सकती हैं। प्लीज मुझे कोई तो रास्ता दिखाइए।
प्लीज। ये आवाज कैसी है? हेलो जी, मुझे एक गिफ्ट बनवाना था लेकिन डिलीवरी आज ही चाहिए। जी जी, जितने भी एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे मैं आपको दे दूंगी लेकिन काम आज ही हो जाना चाहिए। थैंक यू। अग्नि, आज शाम तुम्हारा सच में सबके सामने बाहर लाकर रहूंगी। नाहर जी, आपका प्रोटीन शेक। मैंने कुछ और भी सामान मंगवाया था लेकिन नाहर जी बाहर एक्सरसाइज कर रहे हैं। हे खाटू जी, अब मैं क्या करूं, कैसे लूं अपना सामान? जी भैया, किसके नाम की डिलीवरी है? जी, रूही गोयनका का नाम का पार्सल है। रूही का पार्सल? ये कैसे हो सकता है? भैया, आप मुझे बता सकते हैं ये ऑर्डर कब किया गया था? जी, इसके बारे में कुछ पता नहीं है। मेरा तो काम है सिर्फ ऑर्डर पहुंचाना सर। शायद रूही ने जाने से पहले ही ऑर्डर किया हो। सर, यहाँ साइन कर दीजिए। थैंक यू। थैंक यू सर। नाहर ने पार्सल खोल कर देख लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हे खाटू श्याम जी, प्लीज मेरी मदद कीजिए। जी जी जी, सब ठीक है। एक सेकंड, ये रूही का पार्सल यही तो रखा था मैंने। कौन लेकर गया? किसी ने बाहर से चोरी तो नहीं कर लिया? हम नाहर को बिना बताए, उससे बिना पूछे ये सब कर तो रहे। पर माँ जी, जब नाहर को पता चलेगा उसे बहुत बुरा लगेगा। देखो सोनी, तुम्हें नाहर के साथ थोड़ा सख्ती से पेश आना होगा। याद है ना, जब अग्नि के समय वो खुद को खो चुका था तब तुमने और रतन ने उसे रूही के साथ शादी करने के लिए मनाया था और वो मान गया था। मुझे रूही पसंद नहीं थी, फिर भी मैंने उसे अपनाने की कोशिश की ना। लेकिन अब रूही मर चुकी है तो उसे नाहर की जिंदगी से निकालना ही होगा। जी, सॉरी बेटा, मैं तुम्हारी छोटी माँ जो कुछ भी कर रही है तुम्हारी भलाई के लिए कर रही। अगर रूही की यादें तुम्हारे कमरे से नहीं दूर होगी तो रूही भी तुम्हारी जिंदगी से कभी नहीं दूर हो पाएगी। अरे मैडम जी, ये तो बहुत भारी है, क्या है इसमें? अरे मैडम जी, इसमें तो काफी सारा कीमती सामान है, इतनी कीमती साड़ियां हैं, लेकिन ये सब आप मुझे क्यों दे रही हैं? भैया,
कुछ चीजें एक वक्त के बाद कवाड़ ही बन जाती है, किसी काम की नहीं रहती। आप ले जाइए। झूमर हिल क्यों रहा है? ये तो बिल्कुल ठीक है, शायद हवा से हिल रहा होगा।